जब मुझे बनारस के बारे में पता चला तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई इंसान जिंदा है। सो मुझे उसके छोटे भाई ने, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड सेंटोन, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। सो मैं तो जिद्दी हूँ ना, मैंने तो बोला कि पहले मुझे बनारस मैसेज करेगा, क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट लड़की हूँ, मैं क्यों करूँ वाला एटीट्यूड वो तो पहले आता है। पहले उसने मैसेज किया तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं कर रही हूँ ऐसे मैंने बोल दिया था उनको। तो ही वॉज लाइक कि अरे मेरा भाई डॉक्टर है, मैं कैसे बोलूँ उसको। लाइक मुझे नहीं मालूम, मेरे में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो बोल दे करके, वैसा हमारा इनिशियल कॉन्वर्सेशन था। एंड मैं भूल गई वो चीज़। वो चीज़ भूलने के बाद थोड़े दिन चले गए, मतलब एक आध महीना होने के बाद, इट वॉज माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन, मेरे बर्थडे के दिन मेरे को टेक्स्ट आया, हैप्पी बर्थडे स्नेहल। आई वाज लाइक व्हाट, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन से मैंने रीड किया, बेंचोस डॉट सेबास्टियन का नोटिफिकेशन है करके। आई वाज लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल। एंड उनको टेक्स्ट करने के पहले मैंने इसको टेक्स्ट किया, मेरे दोस्त को। आई वाज लाइक बेन ने मेरे को टेक्स्ट किया, इज लाइक तो अच्छी बात है ना। आई वाज लाइक नहीं, बेन ने मुझे टेक्स्ट किया एंड ही इज इवन फॉलोइंग मी। हाउ, इज लाइक पता नहीं, देखा रहेगा कि तेरा स्टेटस या किसी का स्टेटस हैप्पी बर्थडे का, मैंने चांस ही नहीं। उसने मेरे को फॉलो बैक भी नहीं किया, इज लाइक रिप्लाई कर दे, रिप्लाई कर दे। एंड मैं रुकी हूँ, मैंने थैंक यू टाइप किया, मैंने बैक किया, थैंक यू सो मच टाइप किया, बैक किया, फिर मैंने थैंक यू बेन करके भेजा। And I was like, oh, how is that possible? वैसा था। एंड वो दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे माई फ्रेंड टेक्स्टेड मी, तूने जो बोला था वो कर दिया मैंने अभी, गो एंड टेक्स्टेड। आई वाज लाइक ओह नो, इट वाज अ ट्रैप। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर तेरे भाई ने मेरे को पहले टेक्स्ट किया तो आई विल इनिशिएट एवरीथिंग। ऐसा था हम लोग का, मेरा और उसके भाई का, सेंट ऑफ का कॉन्वर्सेशन। एंड आई वॉज लाइक कि ओ भाई अब तो सत्यानाश हो चुका है, ना यू विल हैव टू डू इट। देन मैं, अब मुझे पता नहीं ना कि मैं क्या टेक्स्ट करूँ, क्योंकि कभी ऐसे फेस टू फेस देखा नहीं है, उसको भी पता नहीं है कि भाई ये ऐसी एक बंदी है करके। मैंने उसको एक स्टूपिड सा केनी सेबेस्टियन का टेक्स्ट फॉरवर्ड किया, जो हाउ टू ईट अ मैंगो का एक्सप्लेनेशन था। तो उसमें मुझे सेंटो ने बताया था कि बेन को मैंगोज पसंद है, मुझे किधर से तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रॉमिस किया है। तो मैंने ये चीज उनको, मतलब उनको फॉरवर्ड किया बेन को, एंड ही रिएक्टेड, इट वॉज अ लाफिंग स्माइल, सेंडिंग हार्ट्स, डबल टैप। वॉज लाइक अरे मैं इसको हार्ट भेज रहा हूँ, इसको गलत इंप्रेशन आएगा तो मैं रिएक्ट करूंगा। सो वो एक एक इमोजी ढूंढ ढूंढ के रिएक्ट कर रहे थे। एंड अपने लिए इज लाइक ओ माय गॉड, ये बंदा अपने लिए एफर्ट्स ले रहा है, अपने लिए कैसे रहता है कि डबल टैप व्हाटएवर, डबल टैप करके अपन छोड़ देते हैं। बट ही इज रिएक्टिंग ऐसे जाके 100%, फिर ऐसे कुछ कुछ अलग अलग स्माइलीज। आई एम लाइक वाह, दिस मैन इज टेकिंग एफर्ट्स, मुझे तो नहीं पता था इनको आता नहीं है। आई वॉज वैसा, तो इट वॉज लाइक अ मिसकम्युनिकेशन हम लोग दोनों के दिमाग में, लेकिन ये हम लोग दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं था, क्योंकि इनिशियली ऐसे इतना कॉन्वर्सेशन होता नहीं है ना कि पता नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ऐसे सब करके। तो उसके बाद मैं ऐसे नॉर्मली लाइक करो, ये करो, वो करो, सिर्फ वैसे ही चल रहा था। तो वो सब होने के बाद मतलब मैं खुशी भेजती थी, ही यूज टू टेक एफर्ट्स एंड रिएक्ट, मतलब 100% ये वैसे सब करके। वन डे ही वेंट फॉर हिज डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, उनका हाथ उन्होंने काट के रखा था, सो उसका लास्ट अपॉइंटमेंट था। सो दैट डे आई टेक्स्टेड हिम हाय एंड ही रिप्लाइड हे, आई वाज लाइक ओके आई गॉट अ रिप्लाई, ठीक है। देन हम लोग ऐसे क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये क्या करते हो, एंड ही इज टेक्सटिंग सेंट ऑफ हिज ब्रदर कि भाई ये मेरे को पूछ क्यों रही है, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करूंगा, इसको क्या करना है। ये क्यों पूछ रही मेरे बारे में, उनका रिएक्शन वैसा था। तो ही वाज लाइक कि भाई इसको है ना बहुत पंचायत है लड़की को। मैं तो कुछ भी कर सकता ना, व्हाई एम आई सपोज टू टेल हर व्हाट एम आई डूइंग, वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई डूइंग, ऐसे सब करके।
बैकग्राउंड था ना बीटीएस था, तो उसके बाद में ऐसे कॉन्वर्सेशन करते 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 आई वॉज लाइक हाउ इज योर हैंड, सो इज लाइक हैंड इज फाइन जस्ट द पाम लाइन्स आर अ बिट डियर लाइन चेंजिंग माई फेट ईयर करके, एंड उसके ऊपर मैंने रिप्लाई किया ओ माई गॉड इज दैट द रीजन वाई एम आई ईयर करके, सो दैट इज व्हेन वी क्लिक्ड. दिस वॉज आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वेर वी क्लिक्ड. So he was like just the palm lines are a bit de-aligned changing my fate here, and I was like oh is that the reason why I'm here. Like uske baad mein he was very sure about me ki isse shaadi karna, and main aise ki ha matlab acha hai but bichare ko pata nahi kiske sath phas raha hai. I was like we should take it a little slow. They were like no I am sure about you. घर पे लड़की वड़की देखने का सब अच्छा होता, सो ही वाज लाइक वो दिन है और आज का दिन है. हाँ मतलब फिर ऐसे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर आई वाज लाइक जिस दिन हम दोनों बहुत रोए, एंड दैट डे वाज लाइक नहीं यही बस यही चाहिए. हाँ द डे व्हेन आई मेट बेन एयरपोर्ट पे मतलब हम लोग का पहले ऐसे था कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे क्या, हम पिछले एक डेढ़ साल से एक दूसरे को देख रहे थे ऑनलाइन, बट देन अगेन इन पर्सन देखना एंड वीडियो कॉल पे देखना देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो व्हेन ही केम वॉकिंग आई स्पॉटेड हिम, सो ओ माय गॉड, देन ही केम इज ऑलमोस्ट रनिंग, उनको देखा एंड ऐसे पूरा सब आग वाग सब सब भरा है, बट देन आई वाज लाइक नहीं दिस इज लाइक अ हैप्पी मोमेंट, लाइक फाइनली वी हैव बीन वेटिंग फॉर 586 डेज टू मीट, सो दैट वाज लाइक अ गोल्डन मोमेंट फॉर अस, लाइक एकदम मेमोरेबल. It has been very understanding. मतलब मैं इतनी जिद्दी अलहड़ हर चीज भूलना ऐसा कोई टाइम नहीं था जब आई वॉज लेफ्ट अलोन. वॉट एवर मिस्टेक्स ऐसे नहीं कि मैंने किए ना था, बहुत बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स भी किए. He was always there. He has always been there. Like whatever it is, like Snehal मैं हूं ना, बस वो सुनते ही लगते कि नहीं सब ठीक है सब ठीक हो जाएगा. सो मतलब इवन इफ इट वॉज वेरी वर्चुअल देर टाइम्स वेन वी वर वेटिंग फॉर दैट टच, लॉन्गिंग फॉर दैट हग विच वॉज लैकिंग, बट द डे आई मेट हिम द डे वेन आई हग हिम एवरीथिंग जस्ट फेल्ट राइट एंड परफेक्ट. या दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड इन माई entire life, that is to marry Ben. मतलब Ben से face to face बात करने से पहले या फिर virtually बात करने से पहले मैंने उनका एक video देखा था. His voice, oh my god, I love his voice. That was like the first criteria where I was like नहीं ये आवाज मैं जिंदगी भर तक सुन सकती हूँ. That was like अच्छा हाँ ठीक है इनसे शादी कर सकती हूँ. I was not ready to get married, but when I met Ben, I was like कि नहीं now he is the one, संभाल लेंगे मुझे. मैं जैसे भी जो भी हूँ संभाल लेंगे मुझे. घर पे सब स्मूथ था. हाँ ऐसे my God's grace किसी को ऐसे कोई अगेंस्ट नहीं था, सबको सब लोग खुश थे एक दूसरे से. डैड ने फर्स्ट टाइम फोटो देखा नहीं मुझे कि अच्छा सेट इतना ही होगा. ओह माय गॉड वेरी डिफिकल्ट टू लीव दिस हाउस. हर चीज के लिए ऐसे मम्मी मम्मी पापा पापा सब करते 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 फाइनली द डे हैज कम वेयर
आई हैव टू लीव देम बिहाइंड देन गो. सिर्फ घर चेंज कर रही हूँ, जाने रही हूँ, आते रहूंगी सताने को. आई लव यू बोथ. ऐसे ही खुश रहना, झगड़ा करते रहना, घर में थोड़ा शोर रहेगा. प्यार तो उनसे ही सीखा, उनका सक्सेसफुल लव स्टोरी इज व्हाट मेड मी ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट इज लव.